इन टुडेज वीडियो आज हम करने वाले हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं जो भी मेरे ऑयल क्रिस्टल कलर्स सारे उनका मैं आपको नाम बताऊंगा, सबके निक नेम्स बताऊंगा। तो चलो ये आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। चलिए लेट्स बिगिन। बिफोर बिगिन प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल। ओके सो सबसे पहले हमारा कलर है वाइट। वाइट को मैंने नाम दिया है, बताओ क्या नेम दिया है? एक्स्ट्रा वाइट। एक्स्ट्रा वाइट नहीं, एक्स ऑफ टी आर ए, ऐसा एक्स्ट्रा नहीं, ई एक्स टी आर ए नहीं, ई एक्स टी आर ए नहीं दिया है मैंने, इसको दिया है एक्स टी आर ए, ऐसे दिया है मैंने। तो चलो इसका एक्स्ट्रा वाइट, क्योंकि ये जैसे कोई ब्लैक सरफेस पे ज़्यादा जलाते हो तो ये बहुत तेज़ गलत, बहुत ज़्यादा इसमें वाइट सरफेस होता है, मतलब वाइट बहुत ज़्यादा इस पर से फैलता है। तो अब हमारा दूसरा कलर है ब्लैक। ब्लैक को मैंने किया है डार्क ब्लैक, क्योंकि जब भी एक पेज पे चलता है तो ये बहुत ज़्यादा डार्क होता है। देखो मेरे सरफेस पे तो बहुत ज़्यादा डार्क है, कैमरे पे पता नहीं कैसे दिख रहा है, और देखो यार बहुत ज़्यादा डार्क है ये। ओके तो अब हमारी दूसरे कलर की बारी है, वो है ग्रे। ग्रे का मैंने रखा है जेंटल ग्रे, जेंटल क्योंकि वो अकेला रहता है, नहीं वो मैंने जेंटल इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा स्मूथली वर्क करता है, स्मूथली है ना, स्मूथ वर्क करता है। चाइनीज कोकोरा सामुराई स्वर्ड का ये है। ओके तो अब हम दूसरे में डार्क ब्राउन में चलते हैं। डार्क ब्राउन में मैंने गूगल में देखा था, मैंने इसका नाम रखा है कैप्यूकिनो। मैंने इसको गूगल में देखा था, कैप्यूकिनो नाम रखना बहुत सही है इसका नाम रखना। देखो ब्राउन कलर में आता है, एकदम डार्क ब्राउन। और मैंने दूसरे का रखा है अपने आप ही वुडी ब्राउन, वुड कलर का है, मतलब जैसे वुड होता है पेड़ होता है, पेड़ का कलर है ब्राउन होता है, तो वुड ब्राउन जैसा कलर है इसको। जैसे मैं पेड़ ही बना के दिखा देता हूँ आपको, इसको रहने दो, ये इसको रहने दो। देखो जैसे मैं कलर करूँगा ऐसा होता था, ऐसा होता है थोड़ा सा उसका कलर, तो यही है इसका नाम मैंने वुडी ब्राउन रखा है। और दूसरे की बारी है, वो है जंगल ग्रीन, मतलब ग्रीन मतलब जंगल ग्रीन तो है बट जंगल वाइन्स में, जंगल बायोम में जाओगे तो जंगल वाइन्स में आपको ये मिलेगा, ये ऐसा ग्रीन कलर मिलेगा है ना। ये माउंटेन्स बना दिए मैंने। तो अब हमारा दूसरा कलर है हो गया। तो अब हमारा दूसरा कलर ये है कि सॉरी हाँ, तो हमारा है एप्पल ग्रीन, मतलब ग्रीन एप्पल आता है ना, ग्रीन एप्पल, तो उसी के कलर का है ये। देखो देखो जैसे मैं एप्पल बना के दिखा देता हूँ, ये ओहो ग्रीन एप्पल को कलर कर लूंगा मैं। इसको शेड दे दूंगा। अरे मैं शेड क्यों कर रहे हैं यार, मुझे ड्राइंग नहीं करनी अभी। मैंने ड्राइंग की वीडियो डाल रखी है, आप जल्दी देखना ठीक है। अभी मैंने डाली है इसकी वीडियो, ओके मैं शेड कर दूँ। चलो कोई नहीं, देखो ऐसा ग्रीन एप्पल होता है ना, तो वैसे ही मैंने ग्रीन एप्पल इसका नाम रखा है। और मैंने रखा है एक तो ग्रीन कलर का ही है, ग्रीन गोल्फ, ग्रीन गोल्फ रखा है। देखो ऐसे ही रखा, मन में आ जाता है इसका नाम तो। ये देखो इसकी पत्तियां कलर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, पत्तियां में कलर तो नहीं हो सकता वैसे, बहुत मतलब ज़्यादा ग्रीन टाइप होता है नेदर की जैसे। तो अब मैंने दूसरे का नाम रखा है, दूसरे ग्रीन का नाम रखा है जेड, जेड रखा है। जैसे मैंने वो आर्ट करते समय इसका ही नाम बताया था, जेड रखा है मैंने इसका नाम, जो मैंने गूगल में देखा था। और इसलिए जेड रखा है क्योंकि ये पत्तियों को कलर करने के लिए ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि जब मैं जैसे पत्ती बना रहा हूँ, पत्ती ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे लीव बनाया, अब इसको कलर कर दूंगा। देखो एकदम लीव जो कलर के होता है, इसलिए मैंने